आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे एक कंज्यूमर को लूप बनाया जाता है। एक ही प्रोडक्ट के एक ही वेबसाइट पर अलग अलग प्राइस होते हैं। ध्यान दीजिएगा कि एक ही प्रोडक्ट है और एक ही वेबसाइट है। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें लर्निंग हिंदी चैनल को और बेल आइकॉन को दबाएं लेटेस्ट लर्निंग वीडियोस के फ्री नोटिफिकेशंस पाने के लिए। दोस्तों, मुझे जब वीडियो बनाने के लिए माइक की जरूरत पड़ी तो मैंने सोचा कि एक माइक ले लेते हैं और मैं amazon.com पे आया तो आप देख सकते हैं कि ये माइक सेम फोटो है और इसका प्राइस है 180 रुपये। अगर इसी अमेजन पे देखा जाए जो हमारा दूसरा माइक है जो कि बिल्कुल सेम माइक है, इसका प्राइस है 229 रुपये। और जो हमारा तीसरा माइक है इसका प्राइस है 305 रुपये। बिल्कुल सेम प्रोडक्ट है, इसी प्राइस का एक इसी माइक का एक और प्राइस है, वो है 595 रुपये। और आप देख सकते हैं एक ही प्रोडक्ट है लेकिन चार पांच तरीके के प्राइस हैं एक ही वेबसाइट पे जो है amazon.in। इतना ही नहीं लेकिन इनकी रेटिंग्स में डिफरेंस आप देख सकते हैं। जो ये 595 का माइक है इसकी 4 रेटिंग है और जो हमारा 305 का है इसकी 3.5 रेटिंग है और जो 229 का है उसकी 3 रेटिंग है और जो 180 का है उसकी भी लगभग 3 की रेटिंग है। चलिए जानते हैं कि इनके प्राइस में फर्क क्यों है और इनकी रेटिंग्स में फर्क क्यों है। आप देख सकते हैं कि ये जो माइक है वो है जेनेरिक के द्वारा बेचा जा रहा है, ये वाला माइक जो है वो रेवी के द्वारा बेचा जा रहा है, ये वाला माइक फ्यूचर कार्ड के द्वारा बेचा जा रहा है और ये वाला माइक कैप्चा के द्वारा बेचा जा रहा है। इतना ही नहीं, अगर आप इनकी रेटिंग्स देखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ, तो जो इसको मैं कस्टमर रिव्यूज पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे एक बहुत ही अहम ऑब्जर्वेशन कि कुछ लोगों ने इस माइक को 5 रिव्यू दे रखे हैं। जैसे आप देख सकते हैं बाय तरुण, बाय अमेजन कस्टमर। चलते हैं दूसरे माइक के अगर रिव्यू देखते हैं हम, तो वहां पर भी कुछ लोगों ने इसे 5 रिव्यूज दे रखे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो टॉप 500 रिव्यूअर है इसने इस माइक को यहाँ पर 4 रिव्यू दिए हैं, लेकिन जो अगला हमारा जो कि बिल्कुल सेम माइक है, आप देख सकते हैं फोटो भी बिल्कुल सेम ही है, उसको यहाँ पर मिले हैं सेम उससे एक और 4 स्टार। और दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम माइक है। और इस रिव्यूअर ने इस बात का जिक्र भी नहीं किया कि दोनों का प्राइस बिल्कुल अलग है। और ये हमारा एक और माइक अगर आप देखेंगे, हमारा 595 का माइक जो कि 180 रुपये से स्टार्टिंग है, जिसकी जो हमारा 595 वाला माइक है इसको भी मिले हैं यहाँ पर 4 स्टार। और आप देख सकते हैं कि वही सेम रिव्यूअर ने इसे यहाँ पर भी रिव्यू दिए हैं 4 स्टार। यहाँ पे लिखा है बिलो 300 और यहाँ पर उसने इस प्राइस का जिक्र तक नहीं किया है कि क्या इसे दोनों ही माइक की जरूरत पड़ी होगी क्या। और ये जो हमारा 300 वाला माइक है इसे कुछ लोगों ने 5 स्टार और भी दिए हैं, जैसे कि ये हो गए सूरज गोंडकर। अगर हम इस इनके नेम पर क्लिक करते हैं तो जो हमें स्क्रीन मिलेगी उस पर इन्होंने 445 रिव्यूज दिए हैं और इन्होंने सबको ही 5 स्टार दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो क्या इन्हें सारे प्रोडक्ट इतने अच्छे लगे कि इन्होंने सबको ही 5 स्टार दे डाले? ऐसा एक दो रिव्यू में नहीं है, आप और भी रिव्यू में ऐसा देख सकते हैं। इन्होंने यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने सबको ही 5 स्टार दे रखे हैं। और चलिए और रिव्यूज देखते हैं। तो 500 रिव्यूअर ये हर जगह रिव्यू कर रहे हैं इस माइक का, यहाँ पर भी रिव्यू किया, 500 वाले में भी, जहाँ पर माइक का
प्राइस 500 है, इन्होंने वहाँ पर भी रिव्यू किया, जहाँ पर 300 है वहाँ पर भी रिव्यू किया, और जहाँ प्राइस 180 है वहाँ पर भी इन्होंने रिव्यू कर डाला इस सेम प्रोडक्ट का। और इन्होंने जहाँ पर महंगा प्राइस दिखा रखा है वहाँ पर इस बात का जिक्र भी नहीं किया कि इसके प्राइस में डिफरेंस है या नहीं है। अब सूरज गोंडकर हर जगह इसे 5 स्टार दिए जा रहे हैं, तो मतलब रिव्यूज पर भरोसा नहीं किया जा सकता है हर प्रोडक्ट के केस में।